हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शर्मिला, शर्मिला ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है गाइस। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाला बटन ऑन कर दीजिए ताकि जो मेरी वीडियो आप तक पहुंचे और आप लोग देख सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं हूं शर्मिला, शर्मिला ब्यूटी टिप्स में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं एक नया फेस पैक। गाइस, ये फेस पैक आपके फेस को निखारेगा, चमकाएगा, छैया छुरियाँ सब दूर करेगा। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचती रही और आप लोग देख सकें। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है एक केला। गाइस, केले का फेस पैक जो होता है हमारे फेस के लिए बहुत ही फायदा करता है, क्योंकि गर्मियों का मौसम में बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहती है, तो लोग सोचते हैं कि हम लोग क्या लगा कि मेरा जो फेस है सब सॉफ्ट रहे। तो गाइस, आप एक केला ले लीजिए, ये देखिए मेरे पास केला है। उसके बाद में आपको ऐसे एक प्लेट लेनी है और एक छोटा सा ऐसे बाउल ले लेनी है। उसके बाद में केले की ऐसे एक केला लेनी है, उसके बाद में उसका जो है सारे छिलके निकाल देनी है। ये देखिएगा, जैसे निकालना आप भी ऐसे अच्छे से जो है सारे छिलके निकाल दीजिए। ये देखिएगा इस ऐसे ही। गाइस, ये देखिए बहुत ही फ़ायदा करेगा, सर्दियों में भी फ़ायदा करता है और गर्मी में भी फ़ायदा करता है आपके फेस के लिए। इसे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर दाग धब्बे होते हैं तो सब दूर कर देता है। तो गाइस, आपके आपके पास अगर नाइफ से ऐसे काट सकते नहीं तो आप चम्मच से भी ऐसे ही काट दीजिए, पीस पीस करके। जैसे मैं काट रहा हूँ ना, आप भी ऐसे ही अच्छे से सारे केले को काट लीजिए। ये देख सकते हो गाइस, मैंने काट लिया है। उसके बाद में अब इसको आपको अच्छे से मैश कर लेनी है। तो मैं अभी इससे जो है ऐसे फोक्स ले लूँगी, उसके बाद में ऐसे अच्छे से मैश कर लूँगी। ये देखिए गाइस, जैसे मैं मैश कर रही हूँ ना, आप भी ऐसे अच्छे से मैश कर लीजिए। गाइस, मैं अभी आपको थोड़ा सा लगा के अपने हैंड पे लगा के दिखाऊंगी, इसलिए मैं आधा केला इसमें यूज कर रही हूँ। ये देखिए गाइस, ऐसे ही अच्छे से आप अच्छे से इसको वो कर लीजिए ताकि जो है आपकी जो केले हैं अच्छे से मैश हो जाएं। तो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि जो मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन है आपके पास पहुँचती रहे और आप लोग देख सकें। तो ये देखिए, यहाँ पर देख सकते हो गाइस, जैसे जैसे मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही अच्छे से मैश कर लीजिए। ये देखिए गाइस, उसके बाद में अब मैं बताऊँगी इसमें आपको ऐड करनी है मुल्तानी मिट्टी। गाइस, मुल्तानी मिट्टी जो है सदियों से चलती आ रही है, हमारी दादी नानी ये सब इस्तेमाल करते थे। इससे बाल भी धुला जाता है और इसका फेस पैक भी बनता है। तो ये आप लोग जो है मुल्तानी मिट्टी किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पर जाएंगी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए मुझे मिला 30 रुपये का मुझे मुल्तानी मिट्टी मिला, आप किराने की दुकान पर भी आपको मिल जाएगा या आप किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पर जाएंगी तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ऐड करनी है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। ये देखिए गाइस, ऐसे ही आपको मुल्तानी मिट्टी ऐड कर ली है। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लिया है। तो गाइस, अगर आपको ऐसी और सारी वीडियो चीज़ें फेस पैक की, हेयर स्टाइल की, तो आप लोग मुझे कमेंट करते रहे, मैं आप सभी को बताती रहूँगी कि आप लोग क्या लगाए सर्दियों में, गर्मियों में, कि आपकी जो फेस है सब सॉफ्ट और ड्राई ना रहे। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ पर ऐड करनी है कच्चा दूध। गाइस, कच्चा दूध जो होता है हमारे फेस के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और इन्फेक्शन भी नहीं होता, तो इसे जो है आप यूज कर सकते हो। गाइस, अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप वो ऐड कर लीजिए, नहीं है आपके पास तो आप उबला हुआ दूध ले लीजिए, पर उसको हल्का सा ठंडा कर लीजिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर दूध लेना। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कच्चा दूध ऐड कर ली है। तो देख सकते हो गैस गाइस, ये जो दूध होता है ये भी हमारे फेस के लिए बहुत ही फ़ायदा करता है। जैसे कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है या स्किन बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, कैम बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजर हो जाती है, सब लोग धूप में निकलने से पहले डरते हैं कि हम लोग क्या लगे मेरे जो फेस है सब सॉफ्ट और ड्राई ना रहें। तो गाइस, ये फेस पैक इजीली तरीके से आप घर पर बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद में गाइस, अब यहाँ पर मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल। ये देखिए गाइस, मेरे पास कोकोनट ऑयल है। गाइस, अगर आपके पास कोकोनट ऑयल है तो आप ले सकते हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसकी जगह पर आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करूँगी। गाइस, अगर बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं रहता है पार्लर जाने के लिए और सोचते हैं कि हम लोग क्या लगाए कि हमारे जो फेस है सब सॉफ्ट और ड्राई ना रहे, तो गाइस ये आप जो है फेस पे घर पर इजीली तरीके से बनाकर अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हो। गाइस, यकीन मानिए कि ये फेस पैक आप लगाएंगे कि आप जो आपकी फेस जो है इतना ज़्यादा ग्लो करेंगी कि आप लोग पार्लर जाना भूल जाएंगे। गाइस, ये फेस पैक आपको हफ्ते हफ्ते में लगाते रहना। गाइस, ये फेस पैक जो है हफ्ते हफ्ते में लगाती रहती हूँ, मेरे घर में सब लोग लगाते हैं। गाइस, उसके बाद में अब यहाँ पर इसको अच्छे से मैश कर लेनी है ताकि आपकी जो फेस पैक है अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिएगा, जैसे मैं बना रही हूँ आप भी ऐसे ही अच्छे से बना लीजिए। तो गाइस, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल चुकी हूँ, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हो। गाइस, ये फेस पैक आप जो अपने हैंड पे फेस पर भी लगा सकते हो, अपनी गर्दन पर भी अप्लाई कर सकते हो। गाइस, मैं अभी आपको अपने हैंड पे अप्लाई करके दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इसको लगा सकते हो। गाइस, अगले वीडियो में मैं आप सभी को अपने फेस पर भी
लगा के दिखाऊंगी कि आप लोग कैसे इसको लगा सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरी फेस पैक बनके रेडी हो चुकी है। ऐसे ही आप लोगों को फेस पैक बनानी है और अपने फेस पर भी अप्लाई करते रहना है। गाइस अपने रिलेशन में भी मेरी जो है वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी फेस पैक लगाना सीख जाए और अपने फेस को बचा सके। तो देख सकते हो गाइस मैं अभी आपको हैंड पर लगा के दिखा रही हूँ कि कैसे आप लोगों को लगानी है। यहाँ पर देखिए गाइस अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे लगा सकते हो, आपके पास अगर ब्रश नहीं है गाइस तो आप अपने हैंड से भी अपने हैंड पर लगा सकते हो गाइस। उसके बाद में यहाँ पर देखिए गाइस जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ आप भी ऐसे ही अच्छे से लगा लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मेरी फेस पैक जो मैं अपने हैंड पे लगा रही हूँ ऐसे ही आप लोग भी लगा लीजिए। और ये देख सकते हो आपको इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही मसाज करते रहना ताकि आपके फेस पे जो है फेस पैक अच्छे से लग जाए। ये देखिए गाइस जैसे जैसे मैं लगा रही हूँ ना आप भी ऐसे ही लगा लीजिए और अच्छे से ताकि फेस पैक आपके फेस हैंड पे या फेस पे लग जाए। तो गाइस आपको ऐसे और सारी वीडियो जैसे फेस पैक हेयर स्टाइल के आप लोग मुझे कमेंट करते रहें, मैं आप सभी को बताती रहूँगी। ऐसी बहुत सारी मैं वीडियो आप लोगों को बताती रहूँगी कि आप लोग क्या लगाएं गर्मियों में ताकि आपके जो फेस है सब सॉफ्ट रहे ड्राई ना रहे। तो ये देख सकते हो गाइस जैसे मैं मसाज कर रही हूँ ना आप भी ऐसे ही मसाज कर लीजिए। यहाँ अगर गाइस आपको यहाँ पर कोकोनट ऑयल नहीं सूट कर रहा है तो आप यहाँ पर रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हो। तो गाइस बहुत लोग ऐसे तो जिनके फेस पे बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, केमिकल रहते हैं, मॉइस्चराइजर हो जाती हैं, दाग धब्बे हैं या छियाँ छुरियाँ सब लोग ये सब दूर हो जाएगा। गाइस यकीन मानिए कि ये फेस पैक आप लोग जो लगाएंगी ना आपके जो फेस इतना ज़्यादा ग्लो करेंगी कि आप लोग पार्लर जाना भूल जाएंगे। गाइस ये फेस पैक मैं हफ्ते हफ्ते में अपने फेस पर अप्लाई करती रही, मेरे घर में सब लोग अप्लाई करते रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस जैसे जैसे मैं मसाज करी ना ऐसे ही आप लोग मसाज करते रहे, 15 से 20 मिनट ऐसे ही आप लोगों को मसाज करते रहना है। ये देखिए गाइस गाइस ये फेस पैक बहुत ही फ़ायदा करता है। मुल्तानी मिट्टी जो होता है ये सदियों से चलती आ रही है, हमारी जो है दादी नानी ये सब इस्तेमाल करती थी और इससे बाल भी धुला जाता है, इसका फेस पैक भी बनता था। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैंने लगा लिया, उसके बाद में इसको आपको 5 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देनी है। यहाँ पर देखिए गाइस ये देखिए अब मैं ऐसे ही आप लोगों को मसाज करता है। अगर आपके पास ब्रश है तो आप उससे लगा लीजिए, नहीं है आपके पास ब्रश तो आप हैंड से भी ऐसे ही लगा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैं लगा रही हूँ जैसे जैसे ना आप लोग ऐसे ही अच्छे से लगा लीजिए, उसके बाद में इसको आपको जो 5 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देनी है। ये देखिए गाइस जैसे जैसे मैं लगा ना आप भी ऐसे ही लगा लीजिए, उसके बाद में आपको ऐसे ही 5 मिनट सूखने के लिए छोड़ देनी है। उसके बाद में आप नॉर्मल पानी से अपने हैंड को अच्छे से धो लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हो गाइस अपने हैंड को मैंने धो लिया है ऐसे ही और साफ हो चुका है। यहाँ देख सकते हो गाइस मेरी जो हैंड कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा, कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया आप इस हैंड में देख सकते हो। तो गाइस ऐसे ही आप लोगों को फेस पैक बनानी है और घर पर इजीली तरीके से आप लोग अपने फेस पर लगा सकते हो। तो गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए ताकि वीडियो आप तक पहुँचते चले गाइस। मित्र से बड़े बाय बाय। तो गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी वाला बटन ऑन कर दीजिए ताकि जो मेरी वीडियो है आप तक पहुंच रहे और आप लोग देख सकें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय।